हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट किया है और बाहर देखो कैसी हालत हो रही है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, हवा आ रही है अंदर। तो देखो श्रीजा ने आपको दिखाया कितनी बारिश हो रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। लग रहा है जनवरी का महीना है और बहुत चिल्ड मौसम हो गया है। और आप लोगों को पता है बारिश पड़ती है तो मेरे बच्चों को बस मुंह से एक ही बात निकलती है, मम्मा पकोड़े बना दो, पकोड़े बना दो। तो सक्षम को ब्लैंकेट उड़ा के बैठाया है, हस्बैंड को भी मैंने बोला कि गर्म टी शर्ट पहनो मोटी सी। तो सारे सुस्त से हो रहा है, ठंडक सी हो गई है काफ़ी मौसम में। मैं अपनी किचन में लगी हुई हूँ क्योंकि श्रीजा सक्षम कह रहे हैं मम्मी थोड़े से पकौड़े बना दो। मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और ये ससुराल से आने के बाद का ब्लॉग है ना। जब हम घर से आए थे तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, वहाँ तक आपके साथ में मैंने शेयर किया था। तो फिर मुझे लगा चलो बना देती हूँ, बच्चों की डिमांड है तो, है ना, क्योंकि दिन में भी ऐसा कुछ बहुत हैवी नहीं खाया था। पकौड़े बना रही है क्योंकि आज बारिश आई थी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बच्चों के लिए बारिश का मौसम पकौड़े होता है। हाँ तो जब बारिश आती थी मेरे कहते मम्मा पकौड़े बनाओ, तो इनका चलो जी बना देती हूँ। और रात का टाइम है तो मैं सोची इन दोनों के लिए थोड़े थोड़े पकौड़े बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ बेसन का चीला। ठीक है श्रीजा? हाँ। पकौड़े खाओगे? हाँ। यहाँ पे मैं गोल गोल भी प्याज कट रही कर रही थी, मैं गोल गोल बेसन के छल्ले से बना के देती हूँ। गोल है तो नहीं प्याज, ऐसे काटती हूँ। और ये बन रहा है हस्बैंड के लिए चीला, जिसको मैंने बिल्कुल ही ऑयल फ्री बनाया है, ऑयल नहीं लगाया इसके बिल्कुल भी। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। मैं आपको बोल रही थी दो तीन दिन की एडिटिंग का वीडियो बनाया है, अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और मैं बच्चों की कुछ खाने की चीज़ बना रही हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास कुछ बेसन रखा है, बेसन मतलब चने का आटा रखा हुआ है, जिसको रखे हुए काफ़ी दिन हो गए, यूज़ नहीं हो पा रहा ये, तो मैं सोची इसका कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई रखूँगी और यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखी है, मूँग की दाल बनाऊँगी खाने में। तो मैं चने के आटे से बनाऊँगी आज लड्डू, जो कि काफ़ी हेल्दी रहेंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कुछ बादाम मैंने ले लिए हैं, थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। और कोई ड्राई फ्रूट्स मेरे पास घर में नहीं पड़ा इस टाइम पे, तो मेरे पास बादाम है तो उन्हीं को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद इस कढ़ाई में थोड़ा सा और घी बढ़ा लिया है और ये जो आटा है बेसन का, इसमें मैंने थोड़ा छान लिया है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, जैसे भूनते हैं ना बेसन। और यहाँ पर लाइटिंग कुछ सही सी नहीं लग रही, तो मैं लाइट जल बुझ करके देख रही हूँ, मतलब कभी कोई सी लगा रही हूँ कभी कोई सी, कि सही बैठे। तो बस यार कभी कभी लाइटिंग का थोड़ा सा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा धुंधलापन आता है। तो कैमरा सही से सेट करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो आज मैं चने के आटे के लड्डू बनाऊँगी, जो ब्लैक वाले चने हैं ना, तो उसकी रोटी बनाती हूँ मैं कभी कभी हस्बैंड के लिए, लेकिन ये वाला काफ़ी दिन का हो गया रखे हुए, तो मुझे लग रहा है कभी ये ख़राब हो जाए, बीच में हम नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर भूनना शुरू कर दिया है, देसी घी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो ये बेसन मेरा लगभग भुन ही गया है चने का आटा, और उसके बाद में जो बादाम मैंने फ्राई किए थे उनको अच्छे से कूट लिया था मामजिस्ते में। मैंने सोचा मामजिस्ते में थोड़ी चोट मार लेती हूँ, दरदराई करना था। और उसके बाद में अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा घी मिलाया था, उसके बाद में मैं इसमें मिला रही हूँ बूरा यानी शुगर पाउडर। मिठास के लिए जितना मीठा आपको खाना है उतना आप डाल लो। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा खसखस भी डाला है, खसखस बचा हुआ पड़ा था मेरे पास सर्दियों का, तो थोड़ा खसखस भी भूनते टाइम मैंने इसमें मिला लिया था। खसखस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है लड्डू के अंदर ना, बहुत ही अच्छा क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है, बढ़िया लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा जो दखनी मिर्च होती है ना, तो वो भी थोड़ी सी कूट के डाली थी, तो उससे क्या है बच्चों को खांसी जुकाम से बचाएगा थोड़ा। तो ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, है ना, और कुछ बैठ के करते हैं काम क्योंकि खड़े खड़े पैर में दर्द हो जाएगा। तो मैं नीचे बैठ गई हूँ यहाँ पे और बैठ के आराम से इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, है ना। तो मुझे ये लगा कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बीच बीच में बच्चों को भूख भी लगती रहती है, तो कुछ कुछ बच्चों के लिए बनाते रहो तो सही रहता है ना। तो बच्चों की ग्रोथ का टाइम है, इनके लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनती रहें तो बढ़िया रहता है। तो बस मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ बच्चों के लिए, और मुझे कान्हा जी के लिए भी कुछ बनाना था भोग। तो सबसे पहले ये डब्बी भर के रख देती हूँ अपने कान्हा जी के भोग के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ मंदिर में कोई ना कोई डब्बी बना के ऐसी रख दूँ, उसमें कुछ ना कुछ मिठाई या कुछ भी भोग की चीज़ रख दूँ। आप लोगों ने ही बताया था एक दिन मुझे कि दीदी ऐसे डब्बी रख दिया करो, वो ठीक रहती है। श्रीजा भी मेरे साथ में बना रही है ना तो ये भी कोशिश कर रही है लड्डू बनाने की, ठीक बना रही है ना। मैं कह रही हूँ तुम खा लो, तो कह रही नहीं मुझे बनाना है, मेरे को बना लो, चलो ट्राई कर लो, छुट्टी का टाइम है बच्चों का, मम्मी के साथ मिल मिल के कुछ कुछ करते रहते हैं, अच्छा रहता है ना।
तो श्रीजा भी अपने छोटे छोटे हाथों से बना रही है। अब तो छोटे हाथ ही रहे, अब तो बड़े हो गए, तो बड़ी हो रही है मेरी गुड़िया रानी। लेकिन चलो ठीक है, मम्मी के साथ में बच्चे कुछ करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चों को भी है ना हमारे साथ में लग के कुछ करने का मन कर रहा है। बारिश हो रही है, तीसरा दिन है बारिश होते होते, बीच में रुक जाती है लेकिन फिर हो जाती है। देखो कितनी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स बारिश पड़ रही है और मौसम एकदम चिल्ड हो गया, बारिश की आवाज आ रही होगी आपको। तीसरा दिन है, दो दिन से बारिश ही बारिश पड़ रही है और मेरा गला भी खराब हो गया है, मौसम हो गया है ठंडा और ठंडी हो गई है काफी। तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर एक और टी शर्ट लटका दिया और बहुत ही अजीब सा मौसम हो गया। और अभी हम मूवी देख रहे थे फ्रेंड्स, कौन सी मूवी देख रहे थे सक्षम? बहुत अच्छी मूवी थी यार, हाँ शेरशाह मूवी है ना, आर्मी मूवी, बड़ी अच्छी लगी विक्रम बत्रा की। मेरा मन था उसको बहुत टाइम से देखने का, मैं बहुत बहुत सर्च करती थी बार बार कि मेरे को मूवी मिले, मैंने ना इस चीज पे बहुत सर्च कर रखा है कारगिल के युद्ध पे, तो मेरा मन था। तो आज मुझे वो मूवी मिल गई, पिछले एक दो बार सर्च की थी तो मुझे गूगल पे मिली थी आज। गला तो मेरा बिल्कुल ही खराब हो गया, खांसी हो गई मेरे को तो यार, ठंड के मारे। हाँ तो आंसू आ जाते हैं जब कोई ऐसा सीन दिखाते हैं टीवी में, मूवी में दिखाते हैं ना। चेहरा देखो 12 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं आपको बता रही थी 3-4 दिन की एडिटिंग का ये वीडियो है, तो मैं यहाँ पे उपमा बना रही हूँ। नाश्ते में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो कुछ वेजिटेबल्स पड़ी थी उनको कट किया, जैसे कि शिमला मिर्च टमाटर प्याज, और सबको फ्राई किया, थोड़ा सा इसमें करी पत्ता डाला है और उसके बाद में थोड़ी सी दाल भी डाली थी। रेसिपी शूट नहीं कर पाई पूरी, किसी दिन शूट करूँगी, एक दिन आप लोगों ने मांगी भी थी, भूल जाती हूँ बार बार। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है सूजी और इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, बहुत टेस्टी लगता है उपमा। मूँगफली फ्राई करके रख रखी है अलग, तो हस्बैंड को ये खाना पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चे थोड़ा सा कम खाते हैं पता नहीं क्यों। तो उसके बाद में मैंने पानी डाला, जितना सूजी होता है उसके 4 गुना पानी डलता है, और उसके बाद में उपमा लगभग तैयार ही है। थोड़ा सा और इसको चलाऊंगी, अच्छा स्वाद बना था, खा के मज़ा आया। और यहाँ पे एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना उपमा बनाने के बाद में। इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दो, उससे क्या है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चिकनापन आ जाता है इसमें और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है देसी घी से। तो यहाँ पे मैंने भुनी हुई मूँगफली यहाँ पे डाल दी है। अच्छा राजस्थान में मूँगफली को सींग दाना कहते हैं, मुझे अभी डालते टाइम याद आ गया, जब भी मतलब मैं राजस्थान रहती थी तब मुझे याद था, वो मतलब याद आई अचानक से ये बात, तो मैंने शेयर की। थोड़ा सा करी पत्ता ऊपर से भी डाल लेते हैं, चाय बन रही है एक साइड में और यहाँ पे प्लेट में लगा लेते हैं, टेस्टी टेस्टी, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, बहुत यम्मी बना था, बहुत स्वाद बना था। तो आज के ब्लॉग में ना बहुत सारी रेसिपी जा रही हैं बस, क्योंकि तीन चार दिन की एडिटिंग का वीडियो है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बात लेके आई हूँ और मौसम देखो, कभी धूप कभी छाव ऐसा हो रहा है, 3-4 दिन से लगातार ऐसी हो गया और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मौसम चेंज होते ही मेरे गले में पेन होना शुरू हो जाता है, खांसी हो गई है और कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2-3 दिन से कपड़े नहीं सूख पा रहे। थोड़ा सा खुला सा मौसम हुआ था, हल्की की धूप आई थी तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रखे, ये है सूखने के लिए। और 2-3 दिन से चल रहा है मेरा ये ब्लॉग, पूरा ही नहीं हो पा रहा है। इससे पहले सासू माँ वाला मैंने जो ब्लॉग शेयर किया था, मैं घर गई थी है ना, तो उसको देखना, आप लोग नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने। और अभी मैं दिया लगा देती हूँ क्योंकि आज अभी तक दिया नहीं लगाया मेरा। सोच रही थी कि मैं आलू वाले चिप्स बना लेती हूँ, नवरात्रे स्टार्ट हो ना, कल से नवरात्रे हैं और मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि ऐसे आलू चिप्स बनाने की तो सोच भी नहीं सकते। और जब मैं घर से आ रही थी रात रात से, तो इसमें थैले में रखे हुए आलू आई थिंक 5 kg होंगे शायद, ये तो शायद ही 5 kg होंगे और इसको सासू माँ ने जबरदस्ती रखवा दिया, मैं मना करी थी रहने दो यहीं से ले, सोची थी इनमें से ही बड़े बड़े आलू निकाल लेती हूँ, कुछ मंगा लेती हूँ और चिप्स बनाती हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, तो मैं सोची हूँ नवरात्रि के बीच में बना लूंगी। पता है इस तरह की चीजें बना लो आप पूरे साल फिर रखी रहती हैं, कभी कभी बच्चों को इवनिंग में कुछ खाने का मन होता है स्नैक, तो थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो और बच्चों को दे दो तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि कुछ कुछ कुक किया जाए। और ठंड का मौसम हो गया है फिर से, ऐसा लग रहा है जैसे फरवरी के लास्ट का मौसम होता है ना, तो मैंने आज ही अपनी शर्ट पहनी और इसके अंदर एक और टी शर्ट पहन रखी है। रात में भी ना बिना ब्लैंकेट के नहीं सो सकते, 2-3 दिन से इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है। है क्यों इतना अच्छा काम कैसे कर दिया? ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया सक्षम ने,
तो बस ऐसे है फ्रेंड्स, और आज मैंने तो लंच की भी तैयारी नहीं करी है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ लंच में, कुछ हल्का फुल्का और जल्दी मैं बनने वाला ही बनाऊंगी। मेरे पास तो ऐसा एक ही आइडिया रहता है, बता क्या श्रीजा, जब मुझे देर होती है तो मैं क्या बनाती हूँ? चिल्ला मैं लोगों चिल्ला बना खिलाती हूँ, लेकिन पता नहीं हो सकता है कुछ अच्छा बनाऊ। खाते क्या जब मैं चिल्ला देती हूँ? अच्छा सीआर फ्रेंड्स खा लेते हैं सीआर चिल्ला भी, ये भी खा लेती है सारा, मेरी फ्रेंड को पसंद होगा। तो कई बार ही मैं इसको कुछ लंच बना के देती हूँ अच्छा, और इसके फ्रेंड्स खा जाते हैं और फिर मुंह लटका के आती है, तो मैं इसको कहती हूँ शेयर करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खुद भूखे रह गए। तो जब तुम्हारे लंच कोई और खाता है तो तुम उसका लंच खाते हो फिर? एक दूसरा सारा लंच बॉक्स खोल देखो, सारे वो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है ना, फिर भूखे रहो। क्योंकि मेरी तो मतलब मेरी फ्रेंडशिप तो दो चार लड़कियों से ही थी, ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मेरे नहीं थे। तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं, कितना ग्रुप है तुम्हारे क्लास में? ज्यादा फ्रेंड है, ठीक है बढ़िया है। तो हमारे तो दो चार फ्रेंड थे, एक फ्रेंड आपने अभी भी देखी है रचना, जिसके घर में मैं जाती रहती हूँ गाजियाबाद में, और एक फ्रेंड है मेरी मंजू, जिसका फोन कभी आता नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हो गई वो, और एक मेरी फ्रेंड कोविड के टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी, एक मैं और क्या और कौन था वो, हाँ रचना मौसी, उनके यहाँ तो हम जाते रहते हैं। तो बस ऐसे फ्रेंड्स भी बहुत जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में। मेरी जो फ्रेंड्स है रचना जो है वो तो खैर मेरी बिल्कुल बड्डी है, उससे तो मेरी फ्रेंडशिप बहुत ही, जिसको कहते हैं ना दिल दिल से जुड़े हुए, बिल्कुल दिल के तार वो वाली है। और आज भी मैं उसके घर जाती हूँ, वो भी आती रहती है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। कभी कभी ना फ्रेंड्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, कभी कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो यहाँ भी कपड़े लटका रखे हैं मैंने सूखने के लिए, ये सूखे हैं बस, इनमें हल्की हल्की नमी है, तो मैंने इनको फोल्ड करके नहीं रखा, फोल्ड करके रखूंगी तो फिर इनमें स्मेल आ जाएगी ना, क्योंकि अभी ऐसा गर्मी वाली बरसात नहीं हो रही, ये सर्दियों के बाद वाली बरसात है ना, तो इसमें तो और भी ज्यादा नमी सी रहती है, ठंडक बहुत ज्यादा है, हवा चल रही है बाहर, तो उससे क्या है कपड़े मैंने बाहर डाल दिए सूख जाएंगे, और घर की क्लीनिंग कर ली। और आज वो लड़का जो मेरे घर पे काम करता है वो भी नहीं आया, पता नहीं उससे छुट्टी क्यों मारी, सुबह 7:30 बजे से बारिश रुकी हुई है, 7:30 या 7:45 8:30 से शायद, और उसके बाद बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, और उसका घर बिल्कुल घर के पीछे फिर भी नहीं आया। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक समझदार इंसान जरूरी होता है घर में, है ना, तो समझदार मतलब जिसको ये रहे कि हाँ सामने से कोई इंतजार कर रहा होगा तो वो ठीक रहता है, उसको बिल्कुल परेशान कर देता है कभी कभी, मुझे उसके साथ लगना भी पड़ता है लेकिन ठीक है छोटा है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा था उसका स्कूल का, तो उसका एडमिशन होगा अभी, फिर पढ़ाई करेगा, तो मैं भी शायद फिर देखती हूँ किसी और को, क्योंकि पता है एक अगर मॉपिंग वाला कोई घर पे लगा रहे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पैर में पेन रहता है और उसके अलावा भी 3-4 काम और रहते हैं, आपको पता ही है ट्यूशन के बच्चे वगैरह, तो ऐसा है फ्रेंड, दो गले में दर्द हो रहा ना, और कल की वीडियो जब मैंने एडिट की थी तो उसमें जब वॉइस ओवर कर रही थी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और आज मुझे लगता है सेम ही सिचुएशन रहेगी। आज का ब्लॉग मुझे पता नहीं है कि छोटा बड़ा कितना रहेगा, आई डोंट नो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मुझे लगता है आज के ब्लॉग में शायद खाने पीने की रेसिपीज ही ज्यादा गई होंगी, लेकिन चलिए जो भी हुआ है ना, तो कल के प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। कुछ बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं, मेरे को भी चिंता सी हो रही है थोड़ी बच्चों के रिजल्ट की, तो देखते हैं क्या रहता है, बच्चे नई क्लास में आएंगे है ना, बहुत खुशी होती है नई क्लास में आने की, नई बुक्स मिलने की। आपके बच्चों के रिजल्ट आ गए या नहीं कमेंट करके बताना, कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे, ये भी बताना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।